तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने सेटअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना सेटअप कि कैसा मेरा सेटअप है दोस्तों, और कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कैसे यहाँ पे शूट करता हूँ, क्या क्या मुझे झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी अगर एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे तरफ कितना सारा साउंड आता है, फिर भी मैं एडजस्ट करके वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग को हो सकता है थोड़ा थोड़ा नॉइस भी मिलता होगा वीडियो में, तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, पर यहाँ पे ऐसा ही है मेरे पास, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कितना भी कुछ करो फिर भी साउंड आना आना है। मैं पहले आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा, फिर आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा, और यहाँ पे समंदर है दोस्तों, आप भी उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस मायाजाल टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ इस घंटी को दबा दीजिएगा हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी हवा और बारिश ज़्यादा चल रही है, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपको सही से दिखे या ना दिखे, लेकिन ज़्यादा सा यहाँ पर सूरज उरज अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा हवा चल रहा है, रात भर बारिश हुआ है, और मुझे रात भर में सो भी नहीं पाया दोस्तों। थोड़ा थोड़ा रूम में भी पानी आ गया है खिड़की से, तो क्या बताऊँ कि रात में थोड़ा थोड़ा सो भी नहीं पाया, रात में उठ भी गया। तो चलिए मैं अपना सेटअप देख पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा जो भगवान का जो फ़ोटो है दोस्तों, वहाँ पे आप देख लीजिए भगवान का फ़ोटो वहाँ पे लगा लिए हैं, वहाँ पे भी लगाया हुआ, पूजा करता हूँ। और ये रहा कैलेंडर, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रहा ये मेरा स्टूल। जी हाँ दोस्तों, बैठने का चेयर है, ये देख सकते हैं नीचे में कैसा है, यहाँ पे नीचे में कैसा है देख लीजिए, टाइल्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, भगवान का गणेश जी का मूर्ति है दोस्तों। और आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ इस शीशे के अंदर थोड़ा थोड़ा बुक भी रखा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बुक भी है, आप इसके अंदर जाकर दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बुक भी रखा है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर में पेटीएम वगैरह का फ़ोटो लगा हुआ है दोस्तों, कुछ पेमेंट वगैरह करने के लिए, वो मेरा नहीं है किसी और का है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा स्टूल देख लीजिए, ये देख लीजिए स्टूल है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ख़राब जगह है दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सामान ज़्यादा भरा हुआ है स्टोर की तरह, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ पे टायर वगैरह रखा हुआ है दोस्तों, गाड़ी का सामान भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये रहा स्टूल दोस्तों, स्टूल है, चेयर है दोस्तों, इसी पर मोबाइल रख कर दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मेरा ट्राइपॉड देखना चाहते हैं आप लोग कि मेरा ट्राइपॉड कैसा है, तो चलिए मैं आपको अपना ट्राइपॉड भी दिखा देता हूँ कैसा है। तो दोस्तों मेरा ट्राइपॉड देख सकते हैं, यही सब है दोस्तों, ये जो डब्बा वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है देख सकते हैं, इस डब्बे के नीचे यहाँ पर मोबाइल रख देता हूँ, कुछ इस तरह यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह रख देता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हो इस तरह रख कर दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, यही मेरा ट्राइपॉड है दोस्तों। मेरे पास ट्राइपॉड कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरा खुद का घर है दोस्तों, ये मेरा खुद का घर भी नहीं है, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये किराए का रूम है दोस्तों, इसलिए ये सेटअप पहले से ही बना है दोस्तों, मैं ये सेटअप बनाया ही नहीं है, तो ये पहले से ही ऐसा है दोस्तों। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं अपने पैसे से बनाया हुआ, मेरे यूट्यूब के पैसे से बनाया दोस्तों, मेरा अभी कोई भी कमाई नहीं हुआ यूट्यूब से, पर मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग को दिखा दूँ दोस्तों कि मेरा सेटअप कैसा है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम भी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपको चलिए दोस्तों थोड़ा दूसरा नज़ारा दिखा देता हूँ, बाहर का नज़ारा कैसा है यहाँ पर, तो आप लोग देख कर दोस्तों खुश हो जाइएगा, हमको पता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे नॉइस भी आते हैं दोस्तों, हो सकता है आपको वीडियो में भी मिल रहा होगा कि नॉइस कितना मिलता है, तो चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आपको बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए, और आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसा है बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों आपको मैं पहले आगे का कैमरे से मैं आप पहले आपको दिखाता हूँ, अगर आगे का कैमरे से अच्छा नहीं दिखेगा तो मैं पीछे वाला कैमरे से ज़रूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ट्रैक जा रहे हैं, यहाँ पर इतना सारा ट्रैक यहाँ पर चलता है, हाईवे रोड है दोस्तों, यहाँ से आपको चलता है दोस्तों, तो कुछ भी साउंड नहीं आता। तो चलिए दोस्तों मैं पीछे वाला कैमरे से दिखाता हूँ आपको क्या क्या नज़ारा अच्छा सब कुछ दिखेगा। तो चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ चलता है दोस्तों, हाईवे रोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक गाड़ी पार होगा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बहुत अलग अलग स्टेट का यहाँ पे गाड़ी आते हैं दोस्तों, अदर अदर कंट्री का, यहाँ हाईवे रोड है दोस्तों, यहाँ पर शिपिंग होता है दोस्तों, बड़ा बड़ा शिप रहता है, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर बड़ा बड़ा शिप है दोस्तों, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको हो सकता है दिख जाए तो अच्छा रहे। यहाँ पर देख सकते हैं जो टावर के जैसे यहाँ पे खड़ा है, ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे शिपिंग होता है, विदेश के लिए जाता है ये जो माल जा रहा है, कंटेनर ये सब सब शिपिंग पर मतलब
जो बड़ा बड़ा जो शिप होता है उस पर लोडिंग होकर विदेश जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से भी आते भी है, चाइना भी जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे समुंदर भी है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी समुंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ समुंदर, यहाँ पे देख सकते हो पानी कैसा हिल रहा है। देखो मैं वहाँ पे जाके दोस्तों एक वीडियो बनाया हूँ, लाइव भी आया हूँ और वहाँ पे आपको दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत जूम करके दिखाया हूँ वीडियो में, यहाँ पे देख सकते हो समुंदर में कितना सारा पानी हिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा बोर्ड, जो मछली पकड़ने का बोर्ड होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों अभी जाने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा हिल रहा है बारिश के टाइम में और हवा भी ज़्यादा है ना, इसलिए बोर्ड वाले लोग सब टायर लगा कर नाप, मतलब बोर्ड में सेटिंग करने, बोर्ड जो बोर्ड का जो आगे पीछे जो लगाता है टायर, जो मतलब फटा हुआ टायर लगा कर दोस्तों उन लोगों ने जाकर मछली पकड़ रहा है, वरना दोस्तों कभी भी पलट सकता है बोर्ड, पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी समुंदर आपको दिख रहा है, हर तरफ से समुंदर ही समुंदर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी समुंदर है, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ भी समुंदर है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों पूरे को पूरे समुंदर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा दोस्तों। मैं सुबह जो सो कर उठता हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट समुंदर को देखता हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बिना देखे यहाँ पे देख सकते कितना सारा, यहाँ पे देख सकते हो, फोकस करो कैमरा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो समुंदर। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ी ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नॉइज़ ज़्यादा आता होगा, ज़्यादा तो साउंड नहीं आता है दोस्तों, और वीडियो का क्वालिटी भी मतलब जो होता है, जो आवाज़ होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यही कुछ नज़ारा है दोस्तों। अब मैं अपना सेटअप में अपना दिखा दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इसी तरह है। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हो आप वीडियो को नीचे कॉमेंट करना, ठीक है। ये रहा बाजार मार्केट दोस्तों, यहाँ जो सामने दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है, और ये रहा हाईवे रोड, जो बहुत दूर दूर का गाड़ी यहाँ पे आते हैं, यूपी का हो गया है तो नागालैंड हो गया है, यूके हो गया है, टीएस हो गया है, तो कहाँ कहाँ गाड़ी आता पता नहीं, राजस्थान का आता है, बहुत सारे जगह का गाड़ी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से माल जाते हैं, माल ले आते हैं। तो दोस्तों यही कुछ नज़ारा है यहाँ, आप मौसम भी देख सकते हैं कितना ख़राब है, आसमान देख लीजिएगा, धूप कुछ नहीं होगा दोस्तों, सूरज उगता था दोस्तों तो समुंदर की तरफ से उगता था, लेकिन आज नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत ही मौसम ख़राब है, हवा ज़्यादा चल रहा है, ठंडी भी ज़्यादा लग रहा है। तो आपको हो सकता है छोटी सी वीडियो, तो आपको हो सकता है छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।